की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेट इको अंडरगार्मेंट्स, त्वचा के लिए पूर्ण सुरक्षित। पटना में सरकारी के बाद मुजफ्फरपुर में मोदी का राजनीतिक भाषण, नीतीश पर बोला बड़ा हमला, पीठ में छुरा घोंपने का लगाया आरोप। नीतीश का मोदी पर पलटवार, कहा हमारे उठाए मुद्दों का मोदी ने नहीं दिया जवाब, कहा बिजली के मुद्दे पर हो जाए चुनाव। लालू ने भी किया मोदी पर पलटवार। मिशन बिहार पर गए मोदी ने, सूबे पर की सौगातों की बरसात, लेकिन नहीं दिया विशेष पैकेज, कहा वक्त आने पर करूंगा 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान। मोदी के खिलाफ बिहार में आपका मोर्चा, बिहार के लिए आप भेज रही कार्यकर्ताओं की फौज, घर घर जाकर नीतीश का प्रचार करेंगे केजरीवाल। दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन 1031 पर बढ़ा विवाद, एक शख्स की शिकायत पर एसीबी की कार्रवाई, दिल्ली सरकार के खिलाफ जांच के दिए आदेश। ट्विटर पर सुषमा स्वराज का बयान, ललित मोदी को वीजा दस्तावेज जारी करने के लिए कभी नहीं की सिफारिश, संसद के लिए जवाब दे वहीं दूंगी बयान। और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका, श्रीसंत चंदीला चव्हाण के अलावा दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील भी हुए बरी, बरी होने के बावजूद बीसीसीआई का बैन हटाने से इंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया की खास पेशकश रहस्य, आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस बार रहस्य उस जीव का जिसके होने या ना होने का सबूत किसी के पास नहीं, क्या यति या बिगफुट मौजूद है, और अगर है तो कहां है, वो इंसान जैसा है या बंदर जैसा, और सबसे अहम सवाल क्या वो खतरनाक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट, इस पर फतह पाना कई लोगों का सपना होता है। एवरेस्ट पर झंडा फहराने में सबसे बड़ा दुश्मन यहां का मौसम। 8 नवंबर 1951 को एवरेस्ट बेस कैंप के पास ही कुछ ऐसा दिखा जो दुनिया भर में खलबली मचाने वाला था। उन्हें एक ऐसा निशान मिला जिसके बारे में गुपचुप चर्चा तो होती थी, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। ये निशान यति, यानी हिम मानव के बताए जाते हैं। क्या यति यानी हिम मानव होते हैं? अगर हाँ तो हमारे पास क्या सबूत हैं? ये किस इलाके में मिलते हैं, या आखिर क्यों किसी को नहीं मिलते? हिम मानव, यति, बिगफुट, सास्क्वाच, दुनिया एक ऐसे रहस्य के बारे में दबी जुबान से बात करती आई है जिसके होने या ना होने का पक्का सबूत किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि हिम मानव या बिगफुट होते हैं, कुछ का मानना है कि ये सिर्फ कहानियां हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। हम नजर डालेंगे उन सबूतों पर जिनके जरिए
इस रहस्य के सच होने की बात कही जाती है, जिसके लिए सबसे पहले चलना होगा दुनिया की छत यानी हिमालय पर। इस वीरान और अनजान सी जगह छुपा है एक ऐसा राज जिसका सबूत दुनिया के कई इलाकों में मिलते हैं, और चीन की सीमा से लगे इस इलाके में हर कदम कुछ हैरान करने वाला है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके किस्से यहां बच्चे बच्चे की जुबान पर है, मानव या यति। हिमालय के इस इलाके में किस्से कहानियों में न जाने कब से ये मौजूद हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा कोई जीव है जो अब तक दुनिया की नजर से ओझल है? And amongst those were huge molars about that size, about 4 or 5 times the size of our molars. And he got about 4 or 5 of them. But the search then went on for a number of years, and eventually they found a bit of a jaw, just this lower part here, which had these teeth in, of a giant ape that's about, would stand if it was blown up in proportion, something like 10 feet to 12 feet tall. Immense, yeah. No? So one did exist. Yeti, Bigfoot, yes, Sasquatch, alag-alag jaghon par naam bhi alag-alag. लेकिन सवाल एक, क्या आधा इंसान आधा वन मानुष जैसा कोई जीव है जो अनजान वीरान इलाकों में पाया जाता है? कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है। पहला दावा सामने आया 1925 में, जब फोटोग्राफर एन ए तुम्बाजी ने दावा किया कि उन्हें हिमालय इलाके में एक विशाल आधे इंसान जैसा दानव दिखाई दिया। लेकिन यति से जुड़ा पहला सबूत मिला ब्रिटेन के एरिक शिप्टन और माइकल वार्ड को। साल था 1951 जब माइकल वार्ड को दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट के पास कुछ नजर आया। जब तक माइकल वहां पहुंचते, उन्हें मिले पैरों के कुछ निशान। निशान किसी भी इंसान के पैरों से बड़े थे। दावा किया गया कि ये उसी के निशान हैं जिन्हें तिब्बती भाषा में जादुई जीव यानी यति कहा जाता है। यति के किस्से हिमालय के इस इलाके में नए नहीं हैं। एवरेस्ट पर पहली बार फतह करने वाले सर एडमंड हिलरी ने भी शुरुआत यति को ढूंढने से की थी। हिलरी ने कई बार यति के बाल और खाल तक पाने का दावा किया था। 1950 से हिलरी ने यति को ढूंढने की तमाम कोशिशें की। 1953 में उन्होंने यति के पांव के निशान ढूंढने का दावा भी किया, हालांकि बाद में वो अपनी बातों से पलट गए। उन्होंने कहा कि बड़े पैरों के निशान असल में इंसानों के ही थे जो धूप में बर्फ पिघलने की वजह से बड़े हो गए थे। हालांकि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि यति नहीं होते। यति से जुड़ी जितनी खोज हुई है उनसे सवाल गहरे ही होते गए हैं। हिमालय के इलाकों में यति से जुड़ी लोक कथाएं मशहूर हैं। जून 1970 में ब्रिटेन के डॉन बेलहैन ने अन्नपूर्णा पहाड़ी की चढ़ाई करते वक्त अजीब सी आवाज सुनी। शेरपाओं ने बताया कि आवाज यति की है। अगली सुबह जब डॉन आवाज की दिशा में गए तो उन्होंने पांव के बड़े निशान देखे। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें यति दिखाई दिया जो शायद खाना ढूंढ रहा था। 20 मिनट तक डॉन को वो दिखाई दिया।
2007 में अमेरिकी खोजकर्ता जोशुआ गेट्स ने दावा किया कि उन्होंने यति के पांव के निशान ढूंढ निकाले हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि यति जैसी कोई चीज हो सकती है, लेकिन इसके पक्के सबूत किसी के हाथ नहीं लग पाए हैं। तो क्या यति के सिर्फ अफवाह ही इतने साल से लोगों के जहन में हैं? क्या यति सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग की उपज है? हिमालय के इलाके में यति की जो कहानियां मिलती हैं वो अनोखी नहीं है। दुनिया भर के कई हिस्सों में यति जैसे जीवों के किस्से सामने आते रहते हैं। कई बार ये यति या बिगफुट शर्मीला लगता है, तो कई बार इसके इरादे बेहद खतरनाक भी होते हैं। इस दिलचस्प रहस्य की कई परतें खुलनी बाकी हैं। क्या ये महादानव पहाड़ों में पाया जाता है? ये ऐसा रहस्य है जिसका खुलना अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इसकी कहानियां लगातार सुनी जाती हैं और ये दावा किया जाता है। कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने यति को देखा है, उसकी आवाज सुनी है। क्या कुछ है सच्चाई, इस पर हम और आपको जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज लाइव इंडिया देश में देखिए, बिहार के लोगों ने जो सपनों संजोए हैं, मैं 60 महीने के भीतर भीतर आपको पूरे करके दूंगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। मोदी का मिशन बिहार, रात 10 बजे। साधारण टॉयलेट क्लीनर्स हमें रोक नहीं सकते, हम तुम्हारे परिवार को बीमार करके ही रहेंगे। अब करो डोमेक्स से मुकाबला। गाढ़े डोमेक्स में है एक्टिव ग्रीन फॉर्मूला जो करे गंदगी और कीटाणुओं का खात्मा। डोमेक्स, सभी बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का खात्मा। लो ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। भारत ड्रिंकिंग वाटर कूलर 100% स्टेनलेस स्टील से बना, जो बरसों साथ निभाए। कॉल फॉर ऑर्डर नाउ 9818969696। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों, किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। आयुसीडी गर्भ निरोधक गोलियाँ। खुशी का मंत्र रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं। म्यूजिक आजकल में इस बार सोनू निगम। तो ब्रेक के बाद रहस्य में आपका स्वागत है। क्या यति, बिगफुट और सास्क्वॉच एक ही जीव की अलग अलग प्रजाति हैं? ये सवाल अहम है,
आगे आपको दिखाएंगे वो हैरतअंगेज वीडियो जिसमें बिगफुट साफ नजर आ रहा है। क्या ये वीडियो फर्जी है या हमसे कई सवाल छुपा कर रखे गए हैं? बिगफुट के बारे में और रहस्य खोलें, उससे पहले ये वीडियो देखिए। अक्टूबर 1967, ब्लफ क्रीक, कैलिफोर्निया, अमेरिका। क्या ये दुनिया के सबसे बड़े राज का सबूत है या सिर्फ फरेब? ये वीडियो रहस्य खोलने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। क्या बिगफुट हमारी आंखों के सामने होकर भी ओझल है? बिगफुट अमेरिका के हवाई को छोड़कर हर राज्य में दिख चुका है। करीब 3,000 लोगों ने इसे देखने का दावा किया है, लेकिन अब तक कोई ऐसी तस्वीर या ऐसा सबूत नहीं है जिससे दावा सच मान लिया जाए। कई लोग कैमरा माइक्रोफोन लेकर इसकी तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं, बड़े पहाड़ों, जंगलों में जहां बिगफुट के होने के सुराग मिल सकते हों। कैलिफोर्निया का ये वीडियो बिगफुट का सबसे ठोस सबूत माना जाता है। तो क्या ये विशाल ताकतवर जीव हमारे ही आसपास कहीं है? 31 साल पहले आई इन तस्वीरों ने दुनिया भर में खलबली मचा दी। बड़े बालों वाली ये चीज क्या है? कहीं ये खतरनाक तो नहीं? कुछ लोगों ने दावा किया है कि बिगफुट ने उनके छोटे जानवरों को नुकसान पहुंचाया है, फिर भी कोई ऐसा साफ सबूत नहीं दे सका है जिससे लोगों का शक दूर किया जा सके। कई लोग बिगफुट के नकली वीडियो भी बनाते हैं जिससे जांच और मुश्किल हो जाती है। लोगों ने बिगफुट की आवाज रिकॉर्ड करने का दावा भी किया है, इस दावे की पुष्टि भी नहीं हो पाई है। देखने में बिगफुट बंदर जैसा है। कुछ लोगों ने इसके बाल भी हासिल किए हैं जिनकी टेस्टिंग लैब में की गई। क्या इन टेस्ट से साफ हो पाएगा कि ये आखिर है क्या? A hair would be able to yield a DNA sequence that could be directly compared to human and ape DNA sequences. Unfortunately, the hair has not generated DNA to the degree that it can be sequenced. In that respect, it is different from human hair. We can say at least that much. अगर ये इंसान नहीं है, तो आखिर है क्या? इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं जमीन पर और हवा में भी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये किस्से कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। बिगफुट जैसे किसी जानवर की ये पेंटिंग करीब 1,500 साल पुरानी है। सदियों से सैकड़ों लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। ये महज कहानियां तो नहीं हो सकती, कुछ न कुछ तो है। लेकिन क्या ये किसी को नहीं पता? कनाडा के इन घने जंगलों में वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में हैं। इंसान जितने बड़े इस बिली एप को कुछ साल पहले ही ढूंढा गया है, अब तक ये इंसानी नजरों से बच कर रहा था, जबकि इसके किस्से हजारों सालों से लोग कहते आ रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नजरों से दूर कुछ और भी रहस्य पर्दे के पीछे हों? इन जंगलों में एक अनोखा राज छुपा है। लकड़ियां कई जगह इस खास अंदाज में रखी गई हैं। साफ है ये चार पैरों वाले किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, कुछ ऐसा जो दो पैरों पर चलता हो और सोच समझ सकता हो।
But the noises, they kept coming, and I had that sense of something was watching me. And we got our flashlight going, and the batteries are just about to die. And all I remember was seeing the light shine on its face before the battery died. And that was the instant that I knew exactly what was watching me, and that it was indeed Sasquatch. We stopped, you know, do a pee break, but then everything started shaking inside the truck. My stepson says, "We're rolling backwards, we're rolling backwards." I said to him, "No, I've got my foot on the brake, I'm in park." This fear came over me. The safety chain was just hanging. The boat itself was twisted in its cradle, and there was three cracks here and two cracks here. Even now, when you think back, it just, I get, you know, shivers. कई लोगों ने सैस्क्वाच या बिगफुट की आवाज ठीक वैसी बताई है जैसी गोरिल्ला की होती है, लेकिन उससे काफी तेज और भयानक। इन सब घटनाओं में एक बात और खास है, और वो ये कि ये सब रात को ही। बंदर की प्रजाति रात में नहीं देख सकती, तो आखिर ये रात में कैसे देख लेता है? क्या ये बिगफुट इंसानों के लिए खतरा भी हो सकता है? जानेंगे दिल दहला देने वाला सबूत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ये है कपड़ों की दुनिया, जहां सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता थ्री स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, कंप्लीट लग्जूरियस 110 एसी रूम्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर योर सर्विस। होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, वेलकम समृद्ध जीवन होटल ऑर्चर्ड, 24 आवर्स 30 एसी रूम फॉर योर ड्रीम, रेस्टोरेंट सर्विस फ्लेवर्स ऑफ योर टेस्ट। At Heart of Pune, Samruddh Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddh Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. Aapka satkar, hamara sankalp. Oily skin? Din bhar bright dikhna hai, to baar baar mood hone se achha hai. एक ही बार ऑयल को खींच निकालो चारकोल फेस वॉश से। फेयर एंड लवली मेन चारकोल फेस वॉश। स्मूथ एज गोल्ड, सिनफुल एज चॉकलेट। न्यू एक्स गोल्ड टेम्पटेशन एंड एक्स डार्क टेम्पटेशन, टू पावरफुल फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम एक्स। कैसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI प्रोजेक्ट, adjacent to F1 बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स, मोर लाइफ मोर स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रहस्य। क्या ये यति बिगफुट या सैस्क्वाच है, और अगर है तो क्या इससे किसी को खतरा हो सकता है? ये भी एक रहस्य है, एक ऐसी कहानी जिससे आप सहम जाएंगे, लेकिन उस कहानी से
पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक वीडियो भी सामने आया है और ये कहानियां सामने आती रही हैं कि बिगफुट का जो रहस्य है इसमें जो किरदार है वो कई बार इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हुआ है। बिगफुट के खूंखार रूप को जानने के लिए हमें चलना होगा रूस। साल 1959। 1960 के दशक में कुछ पर्वतारोहियों की मौत महज राज बनकर रह गई। पुलिस या सरकार कभी इन मौतों के बारे में साफ साफ पता नहीं सके। नौ पर्वतारोही बेहद रहस्यमयी तरीके से मारे गए। भारी बर्फ के बीच कई ने कपड़े भी नहीं पहने थे। तो कुछ नंगे पैर ही अपने कैंप से भागते हुए मारे गए। टेंट अंदर से फाड़ा गया था। जैसे ये लोग अपनी जान बचाकर भागे हों। लेकिन ये हमला किसने किया ये साफ नहीं हो पाया। आसपास के गांव वालों के पास शायद इससे जुड़ा कोई सुराग हो। साइबेरिया के इस इलाके में कम लोग ही जानते हैं। कई साल तक ये पूरा केस दबा रहा, लेकिन ताजा जांच से पता चला है कि आसपास रहने वाले इस इलाके में किसी जंगली दानों की बात करती हैं। क्या ये वही यति है जिसके निशान हिमालय से अमेरिका तक पाए जाते हैं? क्या इस हिममानव ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है? खोजकर्ता इलाके में ऐसे ही निशानों की तलाश करते हैं। मारे गए लोगों के कैमरे में पैरों के बड़े निशान मिले। पतली एड़ी और पैरों की उंगलियां ठीक वैसी जैसे निशान यति के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत ये नहीं बल्कि टेंट में मिली एक नोटबुक में था एक वाक्य जो इस हमले से ठीक पहले लिखा था। Now we know the snowman exists. अब हम कह सकते हैं कि हिम मानव होते हैं। यानी इन पहाड़ों में हिम मानव रहता है, यति रहता है। इसकी तस्वीर कार्यक्रम के प्रायोजक जेट इको अंडरगार्मेंट्स त्वचा के लिए पूर्ण सुरक्षित। बाकी थोड़ा